अब तक इतिहास में हमने जो पढ़ा है उससे हमें यही पता चलता है कि ज्यादातर युद्ध और लड़ाइयाँ जाति धर्म की वजह से ही हुई हैं। इसमें बड़े लोगों और छोटे लोगों के बीच में ही नहीं, बड़े लोगों का अन्याय जब ज्यादा बढ़ जाता है तो छोटे लोग उसका जवाब देने के लिए आगे आ जाते हैं और उनसे उस अन्याय का बदला लेते हैं। उस समय ये बड़े लोग चाहे कुछ भी कर लें, मगर इंसाफ के लिए ये जो आवाज उठती है उसे रोकने में वो लोग असमर्थ होते हैं। इस दुनिया में आए हुए हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है। इस फिल्म के हमारे नायक की भी एक कहानी है। 1991 में एक सच्ची घटना जिसके लिए ये सारी लड़ाइयां हुई, उसमें एक प्रेम कहानी है। गीता नाम की एक लड़की भैरव नाम के लड़के से प्यार करती थी, तभी शुरू होती है ये लड़ाई। उसी पर आधारित है ये फिल्म भैरव गीता। आज जल्दी जाने वाला था ना तू? देख सूरज भी निकल आया है, चल उठ जा। उंगली में क्या हुआ? लकड़ी उठाते समय एक छोटा सा टुकड़ा घुस गया। अब तो मुझे भी तेरे पिताजी की तरह खून देखने की आदत हो गई है ना बेटा। आज से तुम लकड़ी उठाना बंद कर दो। तो फिर खाएगा क्या बता? खून देखना ना तो तेरे लिए नई बात है ना तो मेरे लिए। चल खा ले। फिर से पंचर हो गया क्या? हाँ। कल कहाँ चला गया था? खजूर का ताड़ी बेचने आती है एक नई लड़की, मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल उठता है। मुझे लगता है वो चाहती है मुझे मनी मन। बस उसे ही देखने के लिए गया था। मौके पर चौका नहीं मारा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे क्या घूर रहा? तू नहीं चाहता है क्या कि मेरा भी कोई अच्छा सा परिवार हो? बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं तुझे पता है ना, सही समय पर परिवार बसा लेना ही समझदारी है। वैसे तू प्यार के बारे में क्या जाने, तू तो एकदम पत्थर दिल है। चल साइकिल चला। ये यहां किसने रखा?
मैंने रखी है जी। कुंडल पहाड़ के पास अपने लोगों को उस गगुन के लोगों ने मार दिया था ना, आज इनका वार्षिक श्राद्ध है। मेरे पास गुलामी करने वाले लोगों की तस्वीरें यहाँ घर में रखने के लिए किसने कहा तुम्हें? इनकी औकात तुम्हें पता नहीं है? आपकी जान बचाते वक्त इन लोगों ने अपने प्राण। ऐसे लोगों को मैं जान देने के लिए ही रखता हूँ, तो फिर इन्होंने जान दे दी तो क्या फर्क पड़ता है? अगर ये मुर्गा लड़ाई करते वक्त मेरे लिए अपनी जान दे देगा तो क्या इसकी भी तस्वीर लगाकर मैं श्राद्ध करूंगा? मुर्गा और इन जैसे लोगों को मैं खाना इसलिए देता हूँ ताकि लड़ाई में वो मेरे लिए अपनी जान दे दें। अगर इन्हें बराबरी का हक दूंगा तो ये कमीने मेरे सर पर चढ़कर तांडव करेंगे। केशव रेड्डी जी नमस्कार। सुब्बा रेड्डी, एक तो तेरे से बड़ा हूं, ऊपर से तेरा होने वाला समधी हूं। दोस्ती बढ़ाने के बजाय मेरे साथ दुश्मनी क्यों बढ़ाना चाहते हो? ये कोई दुश्मनी नहीं है केशव रेड्डी जी, लड़ाई है। लड़ाई अपने से बड़ों से करेंगे तभी लड़ाई में मजा आएगा केशव रेड्डी जी। तो आइए लड़ाई का मजा लेते हैं। देखा ना, केशव रेड्डी का मुर्गा जीत गया। अपना भी मुर्गा जीतेगा यार। हाँ, मैंने कहा था ना। बुजुर्गों का कहना है कि अपनी बेटी की शादी बड़े घर में करनी चाहिए। केशव रेड्डी जी, आपके बेटा कट्टा रेड्डी के साथ मेरी बेटी की शादी का फैसला बिल्कुल सही है। आज इस लड़ाई में फिर यह साबित हो गया कि आप सिर्फ लड़ाई में ही नहीं बल्कि जनता की नजरों में और जायदाद में भी मुझसे बड़े हैं। तुम्हारी बेटी कब आ रही है? वो अगले ही हफ्ते शहर से आ रही है। अभी मैं चलता हूँ केशव रेड्डी जी। नमस्ते। तो ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अपनी गीता बेटी का उस कट्टा रेड्डी के साथ शादी करवाना है तो टावर दीवार पर दिखने वाली परछाई जैसा होता है। सही उजाला में खड़ा रहने वाला एक लंगड़ा भी तेजी से दौड़ने लगता है। कट्टा रेड्डी के साथ शादी हो गई तो समझ ले अपने चारों ओर उजाला ही उजाला हो जाएगा। कट्टा रेड्डी उजाला नहीं है मालिक, वो तो आग है। मालिक, मत मारिए, मेरा सोना, आपके बारे में उसको कुछ पता नहीं था। मालिक, मालिक छोड़ दीजिए, मालिक, 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 मालिक छोड़ दीजिए, मालिक के पैर पड़ता हूँ, मालिक छोड़ दीजिए, मालिक, मालिक, मालिक मैं आपके पैर पड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मालिक।
दीजिए मालिक, इसे छोड़ दीजिए मालिक। आग से खेलने का अंजाम जानता है ना, फिर भी आग से खेलने की कोशिश करे। अब देख दो मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की, देख तेरा क्या हश्र करता हूँ। तू भी देख ले बुढ़े, मुझ पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। छोड़ दीजिए आके खोल। उसकी सजा यहीं पर खत्म नहीं हो गई, अभी बाकी है। अभी तो वो तड़प तड़प के मरेगा। मुझसे उलझने की यही सजा है। जैसे जैसे उसके शरीर का वजन बढ़ेगा, वो सरिया उसके अंदर घुसता हुआ चला जाएगा। अंदर घुसता हुआ पहले उसके कलेजे को छेदेगा, फिर उसके सर को छेद के बाहर निकल जाएगा। और ये सब तू अपनी आंखों से देखेगा। आज तक जिसने भी मुझसे उलझने की कोशिश की, उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त कर दिया। यही है मेरा खौफ। अब अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे, मजे लेके छोड़ दूंगा उसे। नीचे जाओ और गीता बेटी का सामान लेकर आओ। खाना खा लिया? तेरा ही इंतजार कर रही थी बेटा।
कितनी बार कहा हूं तुझसे, खाना खा के सो जाया कर, मेरा इंतजार करना छोड़ दे। तुझे खिलाने से पहले मैं खा लूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अब तू भी खा ले। गीता मालकिन आई है, कुछ सामान लाने शहर गया था इसलिए आने में देर हो गई। गीता मालकिन आई है? अब कैसी दिखती है गीता मालकिन? पढ़ी लिखी है, अच्छी दिखती है। गीता बेटी से इज्जत से बात करना, इस तरह के घटिया जवाब मत देना उन्हें। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मुझे नौटंकी करना नहीं आता। ऐसे नहीं चलेगा, बड़े लोग अपनी बेटी से अपने पैसों से ज्यादा प्यार करते हैं। अभी कल ही तो आई हो, आते ही तुम बाहर घूमने जा रही हो, अभी तो तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। मैं शहर से इतनी दूर आई हूँ सिर्फ घर में बैठने के लिए क्या? अच्छा ठीक है। नल्ला मालिक, अपने कुछ लोगों को गीता बेटी के साथ भेज दो। ठीक है मालिक। लेकिन क्यों पापा, उसकी जरूरत नहीं है। शहर होता तो जरूरी नहीं था, पर यहाँ पर है क्योंकि तुम सुब्बा रेड्डी की बेटी हो, इसलिए इनको लेकर जाओ। पहाड़ों में रहने वाले भैरव बाबा बहुत ही प्रख्यात हैं। हाँ, तीन कटे हुए निभू को लेकर पूरे पहाड़ की परिक्रमा लगा लो और त्रिशूल को छूकर अपनी मनोकामना बोल दो। अगर काम नहीं हुआ तो भगवान आपसे मेरा भरोसा हट जाएगा, भगवान के सामने ऐसा बोलेगा, फिर देखना काम जरूर होगा। मुझे भगवान पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अजीब सी आवाज है इसकी, है जब देखो ऐसे चिल्लाता रहता है। वो बागीचे का एक बड़ा सा पक्षी है, उसे जब कुछ अजीब दिखता है तो ही ऐसे चिल्लाने लगता है। हाँ लेकिन अभी उसे ऐसा क्या अजीब दिखा जो इस तरह से चिल्ला रहा है वो? आप ही होंगी मालकिन, क्योंकि हम तो यहाँ रोज आते रहते हैं। अरे मालकिन, एक चिड़िया की आवाज सुनकर आप इतना परेशान हो गई, यहाँ के कृष्ण हिरण को देखेंगी तो आपका क्या होगा? कृष्ण हिरण भी आता है? हाँ बिल्कुल आता है, अगर नहीं आता होता तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलता मालकिन? जब आएगा तब देखेंगे। hey, कब आएगा? अरे आएगा तू। कृष्णा हिरण बोल रहे थे, कहाँ है कृष्णा हिरण? राम हिरण के पीछे भागे थे तभी रावण सीता को उठाकर ले गया था, कहीं गीता को भी कोई उठाकर ना ले जाए इसीलिए वो शायद नहीं आ रहा होगा। अबे ओए लंगड़े, मेरी बात ध्यान से सुन, अगर ऐसी बकवास करेगा ना तो मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। गीता मालकिन के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे क्या? एक एक की बलि चढ़ा देंगे भैरव बाबा पर। क्या हुआ था, किसने किया, किसी को भी कुछ नहीं पता। एक ही रात में पूरा गांव शमशान बन गया था, कहां से आया किसी को नहीं पता। जो जो सामने आया सबको खत्म कर दिया और सभी घरों में आग लगा दी उसने। और बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर यहां से रातों रात भाग गए। अब तो बस ये दीवार और ये पेड़ ही बचे हैं, और वो देखो वो बुढ़िया यहां पर अकेले रहती है।
क्या काकी, क्या कर रही हो ये? मंत्र पढ़ने से ये फूल नहीं गिरने वाला। ए, इसे शायद वो फूल चाहिए, रोज पूजा करती है ना पुराने मंदिर में। ए भैरव, तोड़ के दो इन्हें। मालकिन, इसके बेटे को, पोते को, उसके पूरे परिवार को मार दिया उन लोगों ने। इसके खानदान में बस बेचारी यही बची है। क्या मन्नत मांगी आपने? इस गांव की जिसने भी यह हालत की है उसकी मौत हो। ओ बूढ़ी माँ, जो तुम सोच रही हो ऐसा नहीं होने वाला है। बगल के गांव में जाओ और बची कुछ जिंदगी आराम से जियो। कुछ देर पहले ये फूल क्या मेरे हाथ में थे? नहीं ना, लेकिन अब मेरे हाथ में है। बिल्कुल उसी तरह इस गांव को जलाने वाले की बुरी हालत होगी, उसकी मौत होगी। इस गांव की ऐसी हालत आखिर की किसने? और कौन? वो सुब्बा रेड्डी। वो अपने गुलामों के पीछे छिपकर मौत क्या होती है शायद वो ये बात भूल गया है। उसे मौत का डर दिखाना होगा। सुब्बा रेड्डी को क्या बच्चा समझ रखा है इसने? मौका मिले तो सीधे चाकू घुसा देंगे। डर चाकू से भी ज्यादा खतरनाक होता है चकलवा। बस एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका। भाई, वो सुब्बा रेड्डी की बेटी गांव में इधर उधर घूम रही है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, उसका नाम है कट्टा रेड्डी। पापा एक बार उससे मिलकर कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, ये तुम्हारी मर्जी से चलता है, लेकिन तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी, ये बात याद रखना। तुम्हारी माँ बोल रही थी कि तुम कल फिर से घूमने जा रही हो। हाँ, आपके लोगों को साथ लेकर ही जाऊंगी। आखिर बात क्या है शंकर, ये गाना पसंद नहीं है क्या? ये कैसा गाना है मालगिन? लगता है कोई काला कौवा गाना गा रहा हो। ए, ये किसने गाया पता भी है क्या? होगा कोई भी, हमारे भैरव के गाने के सामने सब फालतू हैं। क्या? ए भैरव, तुम गाना भी गाते हो? विश्वास नहीं हो रहा है, जब ये गाना गाता है ना मालगिन तो खेत में जानवर भी झूमने लगते हैं। ए भैरव, चलो गाओ।
गप्पा रेड्डी होगा मालिक? उसका आदमी नहीं हो सकता है मालिक, उसको तो हमने मेले में उड़ा दिया था। कर्नूल के वीरा रेड्डी का आदमी होगा मालिक। केशव रेड्डी से हम लोग रिश्ता जोड़ रहे हैं ये सुनकर डर के मारे अपनी सारी जायदाद बेचकर गांव छोड़कर भाग गया। हम लोगों ने जिसे खदान में मारा था कहीं उसका आदमी तो नहीं है मालिक? वहाँ के लोग तो सब पढ़े लिखे हैं ना, जो कलम पकड़ते हैं वो तलवार नहीं पकड़ सकते। फिर कौन हो सकता है? भास्कर रेड्डी, गंगुल रेड्डी या चंगल रायडू? मैं शर्मिंदा हूँ मालिक। क्या कहा रे तूने? हमारे घर की बेटी पर अटैक हुए इतने दिन हो गए हैं और उनकी एक लाश भी नहीं गिरी अभी तक। किसने मारा, क्यों मारा ये पूछ रहे हो? बस इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ मालिक। अगर गीता पर अटैक करने वाला मिल गया तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उससे जिंदा जला देना चाहिए मालिक। और अगर नहीं जलाया तो? सुब्बा रेड्डी चूड़ियां पहनकर नामर्द बन गया ऐसा लोग बोलेंगे। जो आदमी सुब्बा रेड्डी के लिए ऐसा बोलेगा उसके साथ तू क्या करेगा? गीता मालकिन की कसम खा रहा हूँ मालिक, उसे जिंदा नहीं जलाया तो समझ लो कि मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुझे उसे जिंदा जलाना है। पेट्रोल लेकर आ नल्ला। इसे क्यों जला दिया मालिक? इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरी बेटी पर अटैक किया। लेकिन ये तो मेरी बेटी पर जो भी हमला करेगा उसका भी यही हाल होगा, ये सबको पता चलना चाहिए। कल जो हमला हुआ उसमें इसका भी हाथ था, ऐसा बोलकर इसे गांव के बीच में फेंक दो। मैं अपनी बेटी पर हमला करने वाले का कुछ नहीं कर पाया, ऐसा कोई भी नहीं सोच पाएगा। और जिसने भी ये किया है नल्ला, उसका पता लगा कर उसे जान से मार दो। चाहे वो कोई भी हो नल्ला, उसकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। छोड़ना नहीं उसे। क्या हुआ बेटा, ये खून कैसे लगा? गीता मालकिन के ऊपर दुश्मनों ने अटैक किया था। यहाँ खून सूखने तक क्या कर रहा था बेटा, साफ नहीं कर सकता था। गीता मालकिन को भी चोट लगी थी, उन्हें संभालते हुए मुझे अपना ध्यान ही नहीं रहा। गीता को संभालने के लिए हजारों लोग हैं, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ और सिर्फ तू ही है इस दुनिया में। खून तेरे लिए मेरे लिए नया नहीं है, उस दिन यही कह रही थी ना, फिर अभी क्यों रो रही है? चुप हो जा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो फिर मेरा इस दुनिया में अकेले क्या हाल होता है? कभी मेरे बारे में भी सोचा कर। तुम्हारे मामा हमें वहां बुला रहे हैं, वहां बादाम का खेत बहुत अच्छा है, वहां जाकर खेती करेंगे बेटा, चल। नहीं, मेरे बाप का रास्ता ही मेरा रास्ता है, मैं अपनी जान दूं या लूं ये सुब्बा रेड्डी के लिए ही होगा। Thank you.
कपड़े मंगवाए वो पहनकर ट्राई कर लेना, कब से कहा था तुझे? माँ मुझे ये मंगनी नहीं करनी है। क्या कहा? मुझे ये मंगनी नहीं करनी है माँ। तो पागल हो गई है क्या? सारी तैयारियाँ हो जाने के बाद अगर ये मंगनी रुक गई तो तेरे पिताजी की इज्जत का क्या होगा, इस बारे में सोचा है तूने? गाँव वाले कैसी कैसी बातें करेंगे, हमारे ज्यादा लाड़ प्यार नहीं तुझे बिगाड़ के रख दिया है। चुपचाप तैयार हो जा। जब तक मंगनी नहीं हो जाती तुम्हें सब्र रखना होगा, उसके बाद तेरी मर्जी। श्री चांद्रमानेन विलंबिनाम संवत्सरे दक्षिणायने श्रावण मासे शुक्लपक्षे एकादश्यां वात्रः शुभयोग शुभकरण एवं गुरु विशेषण विहिष्टायां सुपतितौ श्रीमान् त्रिपदः। ओम एवं गुरु विशेषण विहिष्टायां सुपतितौ श्रीमान् त्रिपदः। श्री केशव रेड्डी जी के एकमात्र पुत्र श्री कट्टा रेड्डी के साथ श्री सुब्बा रेड्डी की बेटी कुमारी गीता रेड्डी के साथ मंगनी तय हुई है। लगन के शुभ मुहूर्त की ये पत्रिका। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, ये लीजिए और उन्हें दे दीजिए। यजमान मंगनी की रस्म पूरी हो गई है। मैंने मांगा क्या? कट्टा रेडी छोड़ दो, तुम अंदर जाओ। मैंने कहा ना अंदर जाओ। बाहर से पढ़ लिख कर आई है, यहां की रीति रिवाज नहीं जानती है, इस बार उसे माफ कर दो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है गीता, या फिर दिमाग को शहर से आते वक्त वहीं पर छोड़कर आ गई तुम? अपने संस्कार को भूल गई क्या?
मुझे जो सही लगा मैंने वही किया पापा। क्या सही लगा तुझे? एक नौकर के लिए तूने रेड्डी पर हाथ उठाया? गुस्सा आने पर क्या सही है क्या गलत ये कट्टा रेड्डी नहीं सोचता है। सर काट देता है, जिंदा जला देता है या जमीन में गाड़ देता है। अगर आज मैं उसे नहीं रोकता ना तो वो तुम्हें भी जान से मार देता। भैरव अपना आदमी है पापा, मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। और ऐसे आदमी को कोई बिना वजह से अगर मारे, चाहे कट्टा रेड्डी हो या कोई भी, मैं ऐसा ही करती। कोई भी हो मतलब? अरे कट्टा रेड्डी कोई और नहीं, तेरा होने वाला पति है। पैरों के नीचे रहने वाले गुलाम इसी काबिल है। चाहे वो उसे मार दे, जिंदा जला दे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी शादी एक राजा से होने वाली है, तुझे पता नहीं राजा और गुलाम में क्या फर्क है? राजा अपने गुलामों को इसीलिए पालते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनकी हिफाजत करे। तेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुस रही? भैरव आपका गुलाम होगा लेकिन कट्टा रेड्डी भी पागल है। कब क्या करे पता नहीं। उस पागल से शादी करने से तो अच्छा है कि जो मेरी रखवाली करे उस भैरव से जाकर मैं शादी कर लूं। गीता तुम हद पार कर रही हो। और ये हद पार करने की वजह आप ही है। क्या हुआ मालिक? मेरे दिल में जो आग लगी है वो मुझे शांत नहीं होने दे रही। उसकी इतनी हिम्मत कि इस कट्टा रेड्डी के ऊपर इतने लोगों के बीच में हाथ उठाया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। उसका कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। अगर दिमाग के किसी भी कोने में ऐसी बात नहीं रहेगी तो किसी की जुबान से ऐसी बात निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी मालिक। हम हाथ पर हाथ रखकर उसकी सोच को मार सकते हैं क्या? हाथ पे हाथ रख के सोच को नहीं मार सकते हैं मालिक। अगर उस सोच को या सोचने वाले को नहीं मार सकते तो फिर हमें क्या करना चाहिए नल्ला? वो जिसके बारे में सोचते हैं उसे मार दिया तो सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो उस भैरव को खत्म कर दे। मुझसे कुछ मत पूछना, जितना बोलता हूं उतना करो। उसे मारने के बाद उसकी लाश कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। चुपचाप जितना बोलता हूं उतना करो, सुब्बा रेड्डी मालिक का आदेश है। सारा सामान तैयार रखो, सुबह होने से पहले काम खत्म करो। जैसे सवाल पूछे बिना मारते हैं ना, तो वैसे ही उसे मार दो। किसी भी हालत में उसे बचना नहीं चाहिए। समझ में आया तुम लोगों के? वो ही लोग मेरे साथ आओ, सिर्फ पगार हमें सुब्बा रेड्डी देते हैं, ये बात तुम लोग याद रखना। संकु, इस वक्त तुम यहाँ? तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से कहीं और भाग जा, चला जा यहाँ से। अरे क्या हुआ, नशे में है क्या? सुब्बा रेड्डी ने तुम्हें मारने के लिए नल्ला को भेजा है। नल्ला अपने आदमियों को लेकर तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। ए, सपना देख रहा है क्या? सुब्बा रेड्डी मुझे मारने को क्यों कहेगा? वो सब मैं नहीं जानता, नल्ला तुम्हें मारने आ रहा है ये बात सच है। मैं सुब्बा रेड्डी से ही पूछ रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो लोग तुझे मार डालेंगे। माँ आप इसे समझाओ ना, चला जाए यहाँ से। मैं जाकर पूछ के आता हूँ, क्या बात है, तू यहीं रुक। मेरा अभी इस वक्त वजह जानने की कोई जरूरत नहीं, जान चाहिए। वो लोग बड़े लोग हैं, उनके दिमाग में कब क्या घुस जाए कुछ कह नहीं सकते। मेरी बात मान ले बेटा। भाग गया कमीना। मालकिन, गीता मालकिन,
क्या हुआ इस वक्त तुम यहाँ? मालकिन, आपके पिता सुब्बा रेड्डी ने भैरव को मारने के लिए नंदा को भेजा है। अभी भैरव कहाँ है? गीता मालकिन पहाड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। हाँ, बात क्या है मैं पता करके आता हूँ। तू यहीं रहेगी तो सही सलामत रहेगी, किसी भी हाल में यहाँ से मत निकलना, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये चादर ओढ़ कर जा, कोई पहचान नहीं पाएगा। और ये भी लेकर जा, जा। हाँ, चल चल। भैरव तो कहीं भाग गया है मालिक। वो और उसकी माँ घर पर नहीं है मालिक। गीता भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है जी। चाहे वो कहीं भी हो, उसकी लाश सुबह तक यहाँ होनी चाहिए। जाओ उसे सब जगह ढूंढो। नल्ला, गीता बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये क्या चल रहा है मालकिन? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, ये बात मैंने पिताजी को बता दी। ये क्या मालकिन, कहीं आप पागल तो नहीं हो गई हैं? आप कहाँ, मैं कहाँ, आपने ऐसा कैसे कह दिया? कट्टा रेड्डी से शादी करने से अच्छा है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ में खुश रहूंगी। आपका दिमाग सच में खराब हो गया है। आप वापस जाइए और जाकर सबसे कह दीजिए कि मेरे मुंह से निकल गया था। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, मैं कट्टा से शादी कर लूंगी। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ भैरव। मैं वापस चली गई तो कल के कल मेरी शादी कट्टा रेड्डी से हो जाएगी। मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। मालकिन, कट्टा रेड्डी बड़े पैसे वाले घर का लड़का है, उसके पिताजी होने वाले मंत्री हैं। वो लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐ, उन लोगों के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ, और कट्टा रेड्डी को तुम भी अच्छे से जानते हो। अगर तुम एक लड़की के पिता होते तो क्या तुम अपनी बेटी की शादी उस जैसे लड़के से कभी करवाते क्या? तुम मुझे जबरदस्ती वापस जाने को कहोगे तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। सुब्बा रेड्डी को पता चल गया है कि तुम लोग यहाँ हो, यहाँ से जल्दी निकल जाओ, वो लोग आने वाले हैं, जल्दी जाओ। वो लोग यहां पर भी नहीं है। ये बात मैं दूसरी बार नहीं सुनना चाहता कि वो लोग तुम्हें नहीं मिले। चल। मेरी बेटी गीता को मेरे घर में काम करने वाला भैरव जबरदस्ती उठा कर ले गया। दूसरे की जुबान से आप ये बात सुने उससे पहले मैं आपको बताने आ गया ताकि आप मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचें। ए, वो लेके गया है या तेरी बेटी उसे लेके गई है? कट्टा, किससे, कब, क्या और कैसे बात करनी है ये सब पता नहीं है क्या तुम्हें? बड़े घर की बेटी को भगा कर ले गया है, ये हम सब के लिए अपमान की बात है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम उसे साथ में ढूंढेंगे, क्योंकि ये हम दोनों की इज्जत का सवाल है। शुक्र है हम वहां से बचकर निकल आए। सिर्फ अभी के लिए बच गए हैं मालकिन, आसमान में उड़ने वाला पक्षी भी
उन लोगों के लिए ही काम करता है। इस जगह में पूरी तरह से बचना नामुमकिन है। तो फिर अब क्या करें? पता नहीं। कहां जाएंगे हम? पता नहीं। तुम मुझसे नाराज हो क्या भैरव? आपकी किसी भी बात पे मैं कभी नाराज नहीं हो सकता मालकिन, लेकिन मैं आपसे प्यार भी नहीं कर सकता। आप सो जाइए, थक गए होंगी आप। तुम्हारा प्यार मुझे महसूस होता है भैरव, बस तुम ही नहीं जानते। रात भर सोए नहीं क्या? रात भर सोचते बैठा रहा कि क्या करूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम कितना भी सोचे उन्हें बदल नहीं सकते। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे साथ चलो। एक्साइटमेंट फील हो रही है। उस तरफ चलो। रुको।
गीता मालकिन, आप इधर आ जाइए। गीता मालकिन, हे रुक जाओ, किसी भी समय ये टूट सकता है। गीता मालकिन, संभल कर, संभल कर। गीता मालकिन, वापस आ जाइए। गीता मालकिन, गीता मालकिन, ये मेरे पिताजी का गांव है, चलिए। सुनो, थोड़ा पानी लेकर के आओ। वहां जाकर मुंह धो लो बेटा। हमारा बेटा है, बड़े लोगों के झगड़े में बेचारा मारा गया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये मेरे पिताजी का गांव है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? जलगम विराइया। सुब्बा रेड्डी के पास जो काम करता था, उस विराइया के बेटे हो क्या तुम? हाँ, इसकी मर्जी के बिना शादी करवा रहे हैं, इसलिए। तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत जल्दी चले गए दुनिया से। तुम्हारी माँ कैसी है? अभी सही सलामत है। उसे यहाँ लेकर आना चाहिए था ना? अभी हमें सुब्बा रेड्डी के आदमी ढूंढ रहे हैं, वो अभी बाहर आई तो उन्हें खतरा है, बाद में लाऊंगा। हाँ ठीक है, वहां उस तरफ एक नदी है, थक गए होगे ना, नहा करके आराम कर लो। तुमसे एक बात पूछूं क्या? पूछो गीता मालकिन। ओफो, इतना कुछ होने के बाद भी गीता मालकिन क्यों कह रहे हो? गीता कह के बुलाओ मुझे, गीता कह के बुलाओ। गीता, मैं अपने मन में तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ ये मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारे मन में मेरे बारे में क्या है ये तुम मुझे बताओ। बताओ ना। गीता, तुम्हें पहली बार देखते ही मैं तुम्हें चाहने लगा था, मगर तुम कहां मैं कहां, धीरे धीरे
तुम्हारे साथ रहकर मुझे तुमसे और प्यार हो गया, लेकिन तुम बड़े घर की हो, ये सोचकर मैं कुछ कह नहीं पाया। अभी मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो ये सोचना छोड़ दो कि मैं बड़े घर से हूं। अब बस ये सोचो कि तुम्हारे मन में क्या है और वही करो। इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो वो बताओ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। पता है भैरव, मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे तुम पर दया आती है। आखिर में एक जानवर भी अपनी आजादी खोने से पहले उस आजादी के लिए लड़ाई करता है, लेकिन तुम्हें देखो, तुम खुद को गुलाम समझते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पूर्वज गुलाम थे तो तुम भी हो। शायद तुम भी नहीं जानते कि तुम हाथों में हथकड़ी बांधकर जी रहे हो। भैरव, सुब्बा रेड्डी ने तुम लोगों को ढूंढने के लिए पूरे गाँव में आदमी भेज रखे। मुझे बहुत डर लग रहा है गीता, मैं जाकर माँ को लेकर आता हूँ। मैं भी साथ में चलूंगी। नहीं, तुम्हारा यहीं रहना बेहतर रहेगा। सुब्बा रेड्डी के लोग कभी भी मुझ पर हमला कर सकते हैं। तुम साथ रहोगी तो मेरा भागना मुश्किल हो जाएगा। संभल कर जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नहीं बताओगे तो तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े करके जानवर की आग में डाल दूंगा, और जो बच जाएगा उसे जला दूंगा। इस लंगड़े की मौत को देखकर शायद बता सको तुम लोग। मुझे कुछ नहीं पता भगवान की कसम, मुझे कुछ नहीं पता। मालिक हमें छोड़ दीजिए, आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, हमें माफ कर दीजिए मालिक, मालिक। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो लेकर आओ उसे। बेटे को छोड़ दीजिए मालिक, इसने कुछ गलत नहीं किया। मेरे पति ने आपके लिए जान दी थी मालिक, कम से कम उस बात को ख्याल में रखे। तेरे पति ने मुफ्त में जान दी थी क्या? वो मेरे घर में खाना खाता था, हर महीने मेरे से पैसे लेता था, वो किस लिए? मेरे लिए अपनी जान देने के लिए ना। मेरे पति की जान की इतनी इज्जत, ये क्या कर रहे मालिक? जिस हाथ में खाना खिलाया उसी हाथ को काटने की कोशिश की तेरे बेटे ने।
चुपचाप बता दे कहाँ है वो, कहाँ छुपा है वो। ऐसे नहीं बताएगी। हाथ से मारोगे तो हमारे दिल का दर्द कैसे समझेगी? मालिक, मालिक। मालिक, मालिक, नहीं, मालिक, नहीं, नहीं। तेरे बेटे को मारा था तो मेरी होने वाली बीवी मेरे ऊपर हाथ उठाई थी। नहीं, नहीं, मालिक, 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 मैं बताता हूँ मालिक, मैं बताता हूँ, बताता हूँ मालिक, 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 नहीं मालिक, मालिक, नहीं मालिक, नहीं मालिक। बोल कहाँ छुपा हुआ है वो, बोल। वो मर गई है मालिक। मिलकर माँ को मार दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा कुछ नहीं कर पाया। क्यों रहा है बेटा? उसमें उन लोगों की क्या गलती है? तुम्हारे दादा परदादा के जमाने से ही उस सुब्बा रेड्डी की गुलामी करते आ रहे हैं सब लोग, और कल के दिन तेरे बच्चे भी गुलामी करेंगे। हम लोग गुलामी करने के लिए ही तो पैदा हुए हैं ना, ऐसा ही होगा हम लोगों के साथ। वो अगर कहते हैं कि हमें जान देनी है तो हमें जान देनी ही पड़ेगी। ये तूने कभी सोचा है? तेरे जैसे लोग ही इतना होने के बाद भी उन्हीं लोगों के पैरों के नीचे जीना चाहते हैं। मारने को कहते हैं तो मार देते हो, चलाने को बोलते हैं तो चला देते हो। गुलामी की जंजीर तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ेगी। आज तुम्हें दुख पता चला है ना, ऐसा दुख सब झेल रहे हैं। कल क्या होगा किसे क्या पता। हम अनपढ़ है ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। गुलामी की जंजीर तोड़ने तक ये आग दिल में जलती रहनी चाहिए। अगर माँ के हाथ में एक लकड़ी भी चुभ जाती थी तो मेरी जान ऊपर नीचे हो जाती थी, और उन हैवानों ने मेरी माँ का मुंह काट दिया था। जानवरों की तरह बांधकर मेरी माँ को तब तक मारा है जब तक वो मर नहीं गई।
मेरी दुश्मनी का बदला उसने मेरी माँ से लिया है। माँ ने जो दर्द बर्दाश्त किया वो सोचते ही मेरा खून खौलने लगता है। उन लोगों ने मेरी माँ को इतनी बुरी तरह से मार दिया है। ऐसा मैंने क्या गुनाह किया था? वो चलते थे तो मैं चप्पल पहनाता था, वो लोग सोते थे तो मैं रखवाली करता था। ये सब मेरी वजह से हुआ है भैरव। जब तक मैं नहीं मरूंगी तब तक ये सब नहीं रुकेगा। पागल हो गई हो क्या गीता? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सोच रही हो? तुम्हारे मरने से क्या ये सब रुक जाएगा? तुम सोच रही हो कि तुम मुझसे शादी करोगी, तुम चली आई हो, ये समस्या नहीं है। इतने दिनों तक कुछ भी बोले बिना, कोई सवाल पूछे बिना जो भी बोला गया वो मैं करता चला गया। ये मेरी गलती है, बिल्कुल मेरी गलती है। तुम्हारी मौत इसका समाधान नहीं है गीता। इंसानों को गुलामों की तरह देखते हैं ये लोग। इनके सीने में घुसने वाला तलवार ही है इसका जवाब। तुम उनके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे, तुम हार जाओगे। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है गीता, गुलामी की हथकड़ी के सिवा। अगर मरना ही चाहते हो तो लड़ने क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे अभी समझ आया है गीता, किसी के नीचे गुलाम बनकर जीने से अच्छा है उन लोगों से लड़कर शान की मौत मरना। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ऐसा कभी मत सोचना। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, बस तुम्हारी वजह से थोड़ा जल्दी हो गया गीता। तलवार जब तक मयान में रहती है उसके धार का पता नहीं चलता, सीने में घुसने से ही उसके धार का पता चलता है। अब उस धार को बताने का समय आ गया है, आ गया है। भैरव, इसका नाम है वीरभद्र। बड़े से बड़ा पत्थर भी ये तोड़ सकता है, इतनी ताकत है इसके पास। वो कट्टा रेड्डी, उसने मेरे 12 साल की लड़की का रेप करके उसे मार डाला। मैं कुछ नहीं कर पाया। कट्टा रेड्डी से मुझे बदला लेना है। यह कृष्णप्पा, एक बार में 4 टुकड़े करने का दम है इसके पास। वासुदेव, जंगली जानवर का शिकार करने में माहिर है। हेरान्ना, मृत्युंजय, वेंकट रामाराव, अर्जेडू, बालैया, उस सुब्बा राव के सीने में तलवार घुसेड़ने के लिए ये सब वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। कल तुम्हारे साथ हुआ है, आज मेरे साथ। अगर कल किसी और के साथ होने का इंतजार करते बैठेंगे तो अपनी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको रुलाना है। एक एक को अपनी जान की भीख मांगने पे मजबूर कर देंगे। उन लोगों के खून से इस इलाके का अभिषेक करेंगे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। कमीना भैरव, गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है ऐसा सुनने में आया है। कुछ गुलामों की वजह से आपको भी डर लगने लगा है क्या? आप बस देखते जाइए, जो भी मेरे सामने आने की हिम्मत करेगा उससे बकरे की तरह काट डालूंगा। उन लोगों के अंदर चिंगारी अभी सिर्फ भड़कने वाली है सुब्बा रेड्डी, अगर उसे जलने से पहले नहीं बुझाया तो हम लोगों का सारा जंगल जल जाएगा। एक बार अगर चिंगारी भड़क जाती है तो उसे जंगल के शेर और हिरन में कोई फर्क नजर नहीं आता, सबको जलाकर खाक कर देती है। कट्टा रेड्डी को मैंने भेजा है उस चिंगारी को जड़ से बुझाने के लिए। Oh, my God.
घर में जो भी दिखे उसे बाहर लेके आओ। मालिक यहाँ पर कोई नहीं है, हमने सब जगह ढूंढ लिया मालिक, लगता है सबके सब यहाँ से भाग गए हैं मालिक। अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो सबके सब मारे जाओगे। भैरव कहाँ है, कहाँ है वो भैरव, उसे लेके आओ। वो बुजदिल कहाँ छुप के बैठा है? अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो और इस गांव की सलामती चाहते हो तो उसे मेरे सामने आना ही होगा। अकेला क्यों आया है? मेरी मंगेतर कहां है? जा ले क्या उसे? देख क्या रहे हो बे? एक एक कसर काट के फेंक दो। सोच रहा था कि हम उसे देखकर डर जाएंगे, पैंट गीला करके भाग गया वो।
हमसे पंगा लेगा तो तेरा और तेरे परिवार का यही हाल होगा, यही बताने आया हूँ तुझे सुब्बा रेड्डी। हम सब ने फैसला कर लिया है, हम अपने गांव में अपनी मेहनत से जीना चाहते हैं, किसी का गुलाम बनकर नहीं। हमसे पंगा मत लेना, अगली बार तलवार उठाया तो तुझे ही जवाब देना पड़ेगा। तेरी वजह से अब किसी और मासूम की जान नहीं जाने दूंगा। अगर तूने कोशिश भी की तो ये। तेरे घर के पास जैसे लाश पड़ी है ना, वैसे तेरी लाश भी गिरी पड़ी मिलेगी। तेरे इन लोगों का जो हाल हुआ है ना, उसे देखकर दूसरों को गुलाम बनाना छोड़ दे, नहीं तो तू भी नहीं बचेगा। एक और बात सुब्बा रेड्डी, तेरी बेटी अपनी मर्जी से मेरे पास आई है, मैं उसे लेकर नहीं भागा हूं। अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब तू उसे भूल जा। और तुम लोगों के लिए भी आखिरी मौका है, इतने सालों तक तुम लोगों ने इस घटिया आदमी की गुलामी की है, अभी उस गलती को सुधारने का मौका मिला है। जिसे मरना है अपनी तलवार पकड़ कर मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो अपनी तलवार फेंक कर अपनी बीवी बच्चों के साथ मेहनत की कमाई खाओ। कल के दिन मेरा और इस सुब्बा रेड्डी के झगड़े के बीच तलवार उठाया तो तुम लोगों को भी जान से मारने के लिए मैं आगे पीछे जरा भी नहीं सोचूंगा। क्यों गंगू रेड्डी, यहां पर क्यों आए हो? मैं तुझे एक बात बताकर एक तोहफा देने के लिए यहां पर आया हूं। 2 साल पहले सुब्बा रेड्डी को मारने का प्लान बनाया था, तब तुम्हारे पिता ने उसे एक जगह छुपा दिया था और वो मेरे हाथों से बच गया। जब हम उसे वहां मारने के लिए गए थे तब तुम्हारे पिता को हमने सुब्बा रेड्डी समझा और गलती से हमने उन्हें जान से मार दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता ने सुब्बा रेड्डी का काला चादर ओढ़ा हुआ था। इतनी हिम्मत तुम्हारी? तुमने हमारे आदमी को मारा था, तुम यहाँ से बचकर जिंदा नहीं जा पाओगे। आज हम तुम्हें यहीं मार देंगे। समझदार मौत की वजह देखता है, किसने मारा ये नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? बड़े दुश्मन को मारने के लिए सिर्फ चालाकी काम में नहीं आती है भैरव, बल्कि ताकत चाहिए होती है और उसकी कमजोरी का पता लगाना होता है। और एक इंसान की कमजोरी उसकी पत्नी के अलावा सिर्फ उसके दुश्मन को पता होती है। उस सुब्बा रेड्डी को मारने की मैं पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहा हूँ और वो पिछले 10 सालों से मेरे हाथों से बच रहा है। तेरा दिमाग और मेरी ताकत दोनों साथ में मिल गए तो उसे मार कर पूरे इलाके में उसके खून से अभिषेक करेंगे, क्या कहते हो तुम? समझ लो कि हम दोनों ने मिलकर सुब्बा रेड्डी को मार दिया, उसके बाद क्या होगा? और क्या होगा, पूरे इलाके में हमारा ही राज होगा। ये अधिकार के लिए चलने वाला युद्ध नहीं है, किसी का अधिकार ना रहे इसके लिए चल रहा है ये युद्ध। आज तुम्हारे मदद से हमने सुब्बा रेड्डी को मार दिया तो कल के दिन तुम आकर हमारे सर पर नाचने लगोगे। हमें किसी और मालिक की जरूरत नहीं है। और एक बात सुन लो, आज के बाद तू भी ये काम हमेशा के लिए छोड़ दे। अगर तूने किसी को गुलाम बनाने की कोशिश की तो सुब्बा रेड्डी के बाद तेरा ही नंबर होगा। तेरे अपमान के बारे में मुझे पता चला, लेकिन मेरा जो अपमान हुआ है वो भी तेरी नजर के सामने ही है। शेर अगर शेर से ही लड़ाई करेगा तो लोमड़ी आकर शिकार ले जाएगा। अगर इस वक्त हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो ये कमीने गुलाम सब हमारे सर पर आकर बैठ जाएंगे। इसीलिए मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है, मेरे से हाथ मिलाकर तू मेरे साथ खड़ा हो जा। हमारे बीच जो भी पुरानी दुश्मनी है उसे भूल कर हम एक नई शुरुआत करते हैं। आज के बाद इस जगह पे शेर के साथ सिर्फ शेर ही रहेगा। उसके साथ जो भी आया था, जिसे देखकर वो इतना उड़ रहा था, उस आदमी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बताओ क्या करना है? हम उसे ऐसी मौत देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी डर जाए। उनके अंदर हम इतना भय पैदा करेंगे
कि वो लोग हमारी गुलामी से ऊपर सोच ही ना पाए। 100 वर्षों तक जो भी हमसे युद्ध करने के लिए सोचे उसकी मौत को याद करके भय से पीछे हट जाए। औरतों को बेवकूफ बनाकर माँ बनाकर छोड़ देते हैं आज के जमाने में लोग। ऐसे में भैरव भैया आपके लिए युद्ध कर रहे हैं। आप बड़ी ही किस्मत वाली हैं। तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या? कोई जानवर गिर गया होगा पानी में। अच्छा, भैरव भैया ने आपसे कैसे कहा था कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं? अगर दो लोग आपस में सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती राधा। और अगर बताना पड़े तो वो सच्चा प्यार नहीं। मैंने उसे अभी तक मारा नहीं है, तेरी आंखों के सामने मजा लेके मारूंगा। अगर हिम्मत है तो आके उसे बचा ले, चला जा। सब क्यों किया ये मैं नहीं पूछूंगा। अपने पैरों के नीचे रहने वाला उस गुलाम का हाथ पकड़कर तू क्यों गई थी ये भी नहीं पूछूंगा। मैंने सोचा था कि लड़की पढ़ेगी तो उसका दिमाग तेज हो जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तू पागल हो जाएगी। कंधे पर उठाकर मैंने तुझे पाला और तूने मेरे सीने पर लात मारी। उस गुलाम के लिए तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं उन गांव वालों के कारण बदल गया हूँ वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन उस भैरव की मौत के बाद सारे गांव वाले मेरे पैरों में होंगे।
उनके पास मेरी गुलामी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। अब तक जो कुछ भी हुआ, अगर उसे भूलना है तो तुझे मेरे हाथों से मरना होगा। आपकी गुस्सा ही आपकी मौत का कारण है। उसके लाश के पास मिली हुई चिट्ठी पढ़कर गुस्से में आंख बबूला होकर सोचेगा कि हम इसी गांव में है इसलिए वो इसी रास्ते से आएगा। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि गांव पहुंचने से पहले उसकी मौत रास्ते में ही उसका इंतजार कर रही है। जाओ मार डालो उसे।
सभी गांव वालों ने मिलकर भैरव और गीता की शादी बहुत ही धूमधाम से करवाई। उसके बाद भैरव पॉलिटिक्स में आकर बहुत ही प्रसिद्ध नेता बन गया और लोगों की सेवा करने लगा। मगर बहुत सारी वजहों से हम उसका असली नाम आपको नहीं बता सकते, माफ कीजिएगा। नमस्ते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।